उठनी एकादशी के पहले विष्णु सहनी एकादशी होती है जो आषाढ़ में होती है, गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि, देव आराधित नवरात्रि है, जिसमें माँ काली का आराधन किया जाता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी तक, जिसमें योग निद्रा का आवाहन होता है और दशमी को पूर्ण रूप से वो अपनी 10 महाविद्या के साथ प्रकट होती है और 11वें दिन भगवान नारायण के शरीर में प्रवेश कर योग निद्रा में उन्हें ले लेती है। 4 महीने वो योग निद्रा में रहते हैं, जिस समय से भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, क्योंकि सारे संसार का कारण विष्णु। विष्णु क्यों है? विश्व को जो अनुरूप में अपने उदर में धारण करता है, इसलिए वो विष्णु कहलाता है। विष्णु सैनी ही एकादशी कहती है, विष्णु उष्णी ही एकादशी कहलाती है कार्तिक की, जो अब देव उठनी कहते हैं। तो विष्णु सैनी एकादशी का मतलब है कि सारा ब्रह्मांड ही सो रहा है, जो अनुरूप में जो उसको धारण ही किए हुए है अपने उदर में विश्व को, तो जब वो सो गया तो फिर विश्व में विकास के कार्य जो अन्न है, ऐसी मान्यताएं हैं कि नारायण या विष्णु के सोने के बाद संस्कार के वो कार्य जो अपने से नहीं होते वो नहीं होंगे, जो अपने से हम करते हैं वही भर नहीं होंगे, जो अपने से प्राकृतिक प्रदत्त है वो तो होंगे ही, जैसे गर्भाधान हो सकता है या अन्य अन्य क्रियाएं जो है उसमें हो सकती हैं, जन्म और मृत्यु ये संस्कार बाधित नहीं है क्योंकि ये परमात्मा के हाथ में है। जो अन्य संस्कार हम अपने से करते हैं या अपने अभ्युदय के लिए कोई कार्य करते हैं, घर का निर्माण करते हैं या हम गृह प्रवेश करते हैं या हम कर्णवेध करते हैं, मुंडन करते हैं, चतुर्मास में सारे कार्य वर्जित हैं, इनको नहीं करना चाहिए। और देव उठनी एकादशी का मतलब भगवान भगवान का जागरण है, ये उत्साह, इसलिए हम दीपावली से लेकर काल रात्रि का उस दिन प्रादुर्भाव होता है जिसे निशीत काल में काल रात्रि पूजन कहा गया है, उस दिन से माँ अपने संयम से उनके शरीर से निकलना चालू करती 11 दिन में और एकादशी को पूर्ण रूप से उनके शरीर का परित्याग करके भगवान उठ जाते हैं और संस्कार सारे होने लगते हैं, हम आनंद में रहते हैं, इसलिए इसका बड़ा महत्व है, देव उठनी एकादशी उसे कहते हैं।